आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो स्ट्रॉन्गेस्ट राउंड डायल स्मार्ट वॉच के बारे में जो आप लोगों को अंडर 3000 देखने को मिलेगी। एक आती है फायरबोल्ट की तरफ से आने वाली फायरबोल्ट साइक्लोन, जहां पर आप लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती कंपनी। वहीं दूसरी तरफ आती है पेबल की तरफ से आने वाली पेबल कॉस्मोस क्विस्ट। ये स्मार्ट वॉच एक रगेड लुक के साथ आती है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी देखने में लगती है। तो चलते हैं फटाफट कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, आप लोगों के लिए कौन सी बेस्ट होने वाली है। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम, तो वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहना। इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को काफी ज्यादा सिमिलर फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इन दोनों का जो प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही देखने को मिलता है, तो इनका कंपैरिजन वीडियो तो बनता ही था। तो चलते हैं फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्ट वॉच के बिल्ड एंड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पर मैं सबसे पहले पेबल कॉस्मोस क्विस्ट की बात करना चाहूंगा। ये स्मार्ट वॉच एक रगेड लुक के साथ आती है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी देखने में लगती है। डायल के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा मेटल का यूज किया गया, बाकी ओवरऑल बॉडी इसकी प्लास्टिक की प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा बैक साइड में प्लास्टिक ही देखने को मिल जाएगा, बाकी साइड में एक वर्किंग क्राउन किया गया। इसको स्क्रॉल करके वॉच फेसेस मैन्युअली ऑपरेट कर पाओगे। नीचे वाले बटन को प्रेस करके आप लोग स्पोर्ट्स मोड में चले जाते हो। बाकी बात करें इसके स्ट्रैप के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को 22mm का रगेड स्ट्रैप प्रोवाइड किया गया है और इसकी भी क्वालिटी काफी बढ़िया प्रोवाइड कर रही है कंपनी। इसके अलावा ऑफ कोर्स यहां पर आप लोगों को इनबिल्ट स्पीकर एंड माइक भी प्रोवाइड किया गया, जिसके थ्रू आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग को यूज कर पाओगे। बाकी बात करेंगे फायरबोल्ट साइक्लोन की, तो यहां पर आप लोगों को फुल्ली मेटालिक बॉडी प्रोवाइड की गई है। राउंड शेप में आप लोगों को एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लॉन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसके बैक साइड में ग्लास फिनिश का यूज किया गया, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम भी लगता है अपने आप में। बाकी यहां पर भी साइड में एक वर्किंग क्राउन प्रोवाइड किया गया है, इसको भी आप लोग स्क्रॉल करके वॉच फेसेस मैन्युअली ऑपरेट कर पाओगे। एंड वहीं नीचे एक शॉर्टकट बटन भी प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा स्ट्रैप की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को 44mm का एप्पल वाला स्ट्रैप ही देखने को मिल जाता है और इसकी भी क्वालिटी काफी सॉफ्ट प्रोवाइड कर रही है कंपनी। बाकी अगर मैं बात करूँ दोनों वॉच के ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर दोनों स्मार्ट वॉचेस काफी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ आती है। फायरबोल्ट साइक्लोन प्रॉपर मेटेलिक बॉडी के साथ आती है, वहीं पेबल की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फुली रगेड लुक प्रोवाइड किया गया है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस अपने अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है बिल्ड क्वालिटी के मामले में, बट फायरबोल्ट साइक्लोन यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मेटल का ही यूज किया गया है। अब इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सिमिलर फीचर्स की बात करना चाहूंगा। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स प्रोवाइड किया गया है। पेबल में आप लोगों को दो कलर्ड AOD वॉच फेसेस मिल जाते हैं और इसकी ब्राइटनेस काफी बढ़िया है, आप लोग आउटडोर इंडोर कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो। विजिबिलिटी को लेकर ऐसी कोई खास दिक्कत आपको नहीं आने वाली। वहीं बात करें फायरबोल्ट साइक्लोन की, तो यहाँ पर भी आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफी बढ़िया प्रोवाइड करती है कंपनी, इसको भी आप लोग आउटडोर इंडोर कहीं पर भी यूज कर पाओगे। और अदर फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ मिलता है वॉइस असिस्टेंट। बाकी हेल्थ ट्रैकिंग की बात करें, तो यहाँ पर मिलता है आपको SpO2, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटर, ब्रीथ मॉनिटर। इसके अलावा फीमेल हेल्थ केयर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में, तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। बाकी बात करेंगे बेसिक फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर मिलता है आपको म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर, फाइंड माई फोन, डू नॉट डिस्टर्ब और फ्लैश लाइट जैसे अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। और इनके फीचर्स यहीं पर खत्म नहीं होते हैं यार, दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को कैलकुलेटर जैसे अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए, जो कि डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल भी होता है, तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो। तो ये थे इसके कुछ सिमिलर फीचर्स, अब बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। तो मैं सबसे पहले पेबल कॉस्मोस क्विस्ट की बात करना चाहूंगा। इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 1.43 इंच की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हो, कलर एक्यूरेसी भी काफी बढ़िया निकल के आती है, तो आप लोग आउटडोर इंडोर कहीं पर भी यूज कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के दो कलर्ड वॉच फेसेस मिल जाते हैं और दोनों की विजिबिलिटी काफी बढ़िया है। बाकी ये वॉच फुल्ली रगेड लुक के साथ आती है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी टफ प्रोवाइड कर रही है कंपनी। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को 100+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, साथ ही यहाँ पर आप लोग स्पोर्ट्स रिकॉर्ड का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग जो भी एक्टिविटीज वगैरह करते हो आउटडोर जाके उसको बाद में चेकआउट भी कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रेस मॉनिटर का भी फीचर्स देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को कैलेंडर जैसे अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये थे पेबल के फीचर्स, अब बात करेंगे फायरबोल्ट साइक्लोन के बारे में और देखते हैं ये स्मार्ट वॉच पेबल से कहाँ कहाँ आगे निकलती फीचर्स के मामले में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को 1.6 इंच की काफी बड़ी राउंड डायल HD डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है और इसकी भी क्वालिटी नो डाउट काफी ज्यादा बढ़िया प्रोवाइड कर रही है कंपनी, इसको भी आप लोग आउटडोर इंडोर कहीं पर भी यूज कर सकते हो। विजिबिलिटी को लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है, काफी शार्प
आपको पंची कलर भी देखने को मिल जाएगा, कलर एक्यूरेसी कंट्रास्ट वगैरह भी काफी ज्यादा बैलेंस देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग अपना कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो और इसकी भी क्वालिटी काफी बढ़िया देखने में लगती है। और ये स्मार्ट वॉच फुल्ली मेटालिक बॉडी के साथ आती है जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी देखने में लगती है। और ये राउंड शेप में एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन स्मार्ट वॉच है। अगर आप लोग एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो विद राउंड डायल तो डेफिनेटली इसी स्मार्ट वॉच को चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसके अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मिलता है आप लोगों को मोशन सेंसर गेमिंग का फीचर्स जो कि इस प्राइस सेगमेंट में अब तक किसी भी स्मार्ट वॉच में प्रोवाइड नहीं किया गया था। इस प्राइस सेगमेंट में ऐसी पहली स्मार्ट वॉच निकाली है फायरबोल्ट वालों ने जिसमें आप लोगों को मोशन सेंसर गेमिंग का फीचर्स प्रोवाइड किया गया है और इसके सेंसर काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क भी करते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों को NFC लॉक फीचर्स भी प्रोवाइड किया गया तो आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 85 स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड किए गए तो डेली लाइफ में जो भी यूजफुल स्पोर्ट्स मोड होते हैं सारे इस वॉच में अवेलेबल हैं। और इसके फीचर्स यहीं पर खत्म नहीं होते हैं, इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को BP मॉनिटर इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर का फीचर्स भी प्रोवाइड किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी होता है तो आप लोग नॉर्मल आइडिया लेने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। बट सीरियस कंडीशन में मेडिकल इक्विपमेंट का ही यूज़ करना, किसी भी स्मार्ट वॉच पर रिलाय मत रहना चाहे वो किसी भी ब्रांड्स का हो। अभी इसके फीचर्स खत्म नहीं हुए यार, यहाँ पर आप लोगों को 5 मेन्यू स्टाइल भी प्रोवाइड किया गया है। बाकी पेबल में आप लोगों को 4 मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाते हैं तो डिफरेंट मेन्यू स्टाइल्स हैं, आप लोग इसको चेंज कर सकते हो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा फायरबोल्ट साइक्लोन में आप लोगों को स्क्रीन लॉक का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है जो कि डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल भी होता है तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो। तो देखा आप लोगों ने अंडर 3000 आप लोगों को फायरबोल्ट साइक्लोन में कितने सारे यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फीचर्स वाइज फायरबोल्ट साइक्लोन विनर होती है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि मोशन सेंसर गेमिंग का फीचर्स मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग स्क्रीन लॉक बॉडी टेम्परेचर इसके अलावा BP मॉनिटर जैसे अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। बाकी अब बात करेंगे दोनों स्मार्ट वॉच के UI परफॉर्मेंस के बारे में तो इन दोनों स्मार्ट वॉच को मैं अच्छे खासे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और आप लोग यहाँ पर खुद भी देख पा रहे हो काफ़ी ठीक ठाक वर्क करती है दोनों स्मार्ट वॉच की UI। कहीं से भी लैग या फिर हैंग जैसा इशू फेस करने को मुझे नहीं मिला अभी तक। बट अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो तो पेबल कॉस्मोस क्विस्ट में थोड़ी सी लैग UI देखने को मिलती है लेकिन फायरबोल्ट साइक्लोन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है, कहीं से भी लैग या फिर हैंग जैसा इशू फेस करने को मुझे नहीं मिला अभी तक। अब चलते हैं फटाफट इन दोनों स्मार्ट वॉच की एक्यूरेसी भी टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले मैंने अपना हार्ट रेट टेस्ट किया दोनों स्मार्ट वॉच को पहनकर और कंपेयर किया ऑक्सीमीटर से। अभी तक मुझे यहाँ पे सिमिलर डेटा देखने को मिल रहा है दोनों स्मार्ट वॉचेस में और ऑक्सीमीटर में भी आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। एट दी एंड यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 रीडिंग का ही फर्क देखने को मिलता है हार्ट रेट के मामले में। बाकी बात करेंगे SpO2 की तो यहाँ पर भी दोनों स्मार्ट वॉचेस काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है और एट दी एंड भी यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रीडिंग का फर्क देखने को मिलता है ऑक्सीमीटर के कंपेरिजन में। बाकी ये दोनों स्मार्ट वॉचेस हवा में या फिर टेबल पर कोई भी रीडिंग शो नहीं करती है तो हाँ यार यहाँ पे सेंसर भी काफ़ी जेन्युइन प्रोवाइड किए गए दोनों स्मार्ट वॉचेस में। बट फिर भी मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा यार किसी भी स्मार्ट वॉच पर रिलाय मत रहा करो, चाहे वो किसी भी ब्रांड्स का हो, सीरियस कंडीशन में आप लोग मेडिकल इक्विपमेंट का यूज किया करो क्योंकि स्मार्ट वॉचेस इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होती है। अब फटाफट कॉलिंग टेस्ट भी कर लेते हैं और देखते हैं दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच ज्यादा बेटर कॉलिंग क्वालिटी प्रोवाइड करती है। स्पीकर तो काफी बढ़िया है इसका। हेलो, हाँ भाई क्या हाल है, आवाज आ रही है? मैं भी बहुत, हाँ भाई बढ़िया हूँ मैं भी। अभी ना मैं वॉच से कॉल कर रहा था तो मेरी आवाज़ कैसे क्लियर आ रही एकदम? हाँ यार उसका स्पीकर भी ना काफ़ी सही जगह है ना तो तेरी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी तरीके से आ रही है मुझे। चल ठीक है ना, करता हूँ मैं बाद में। ओके हेलो, हेलो हाँ ब्रदर क्या हाल है? बस बढ़िया, तू बता। अच्छा मेरी आवाज़ कैसे आ रही है अभी? मैं बढ़िया हूँ भाई, तेरी आवाज़ हमेशा की तरह सही आ रही है। हाँ फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच आई थी ना उससे कॉल कर रहा था। अच्छा कैसी आ रही है आवाज़? बढ़िया आ रही है, सही आ रही है, बेहतरीन आ रही है। जैसे फोन वोन चार्जिंग वैसी आ रही है। दोनों स्मार्ट वॉच की कॉलिंग क्लिप्स आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, आपको आइडिया मिल गया होगा। मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को दोनों स्मार्ट वॉच में किसकी कॉलिंग क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्ट वॉचेस काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है यार, साउंड क्वालिटी और सामने वाले की आवाज़ भी काफ़ी अच्छी तरीके से आती है, स्पीकर भी काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहे हैं यहाँ पर दोनों स्मार्ट वॉचेस के। अब आते हैं फाइनली कंक्लूजन पे और बात करते हैं आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए।
कौन सी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है। तो मैंने वीडियो के अंदर दोनों ही स्मार्ट वॉचेस को अच्छे तरीके से टेस्ट करके दिखा दिया आप लोगों को, तो आप लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हो कौन सी स्मार्ट वॉच आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहने वाली है। बाकी जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, इस प्राइस सेगमेंट में आपको फायरबोल्ट साइक्लोन में मोशन सेंसर गेमिंग जैसे फीचर्स प्रोवाइड किए गए जो कि अब तक किसी भी स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिला अंडर 3000। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को और भी काफी सारे यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को बीपी मॉनिटर एंड बॉडी टेम्परेचर जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग कोई फीचर्स लोडेड स्ट्रॉन्ग स्मार्ट वॉच देख रहे हो अपने लिए, तो डेफिनेटली फायरबोल्ट साइक्लोन को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को फुली मेटालिक बॉडी प्रोवाइड की गई जो कि अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी देखने में लगती है, और इसके अलावा काफी सारे यूजफुल फीचर्स भी मिल जाते हैं। बट अगर आप लोग कोई एमुलेट रगेड स्मार्ट वॉच देख रहे हो अपने लिए, तो डेफिनेटली पेबल कॉस्मोस क्विस्ट को चेकआउट कर सकते हो। इसी स्मार्ट वॉच में आप लोग काफी बढ़िया डिस्प्ले प्रोवाइड करती है कंपनी। तो अगर आप लोग दोनों में से किसी भी स्मार्ट वॉच में इंटरेस्टेड हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Two red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault.